जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। कई डिलेस के बाद क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के शेड्यूल्स होने वाले हैं कंप्लीट? आउट स्टेशन शूटिंग कंप्लीट करने के लिए कौन सा ड्राइव चलाया मेकर्स ने? कौन कौन हुए इस ड्राइव में शामिल? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मई 2014 में रिलीज हुई हीरोपंती एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसमें टाइगर ने प्रीति सेनन के साथ लीड रोल किया था, जबकि हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। म्यूजिक माइस्ट्रो ए.आर. रहमान ने म्यूजिक कंपोजिंग का जिम्मा संभाल लिया है, जबकि महबूब को लिरिसिस्ट के रूप में चुना गया है। ये फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज होगी। एक्टर नवाजुद्दीन ने टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म हीरोपंती की मच अवेटेड सीक्वल की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं नदियाडवाला ग्रैंडसन और डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। इससे पहले कि देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर सब कुछ रोक दे, आने वाली फिल्म हीरोपंती का पहला शूटिंग शेड्यूल मुंबई में रैपअप कर दिया गया था। वहीं दूसरे शेड्यूल जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सीक्वेंस था, उसके लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन प्रतिबंध हटाने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मेकर्स और बाकी टीम ने मिलकर नवाजुद्दीन वाला ये शेड्यूल भी कम्प्लीट करने में शुरू हो गए। कथित तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट एंटेगोनिस्ट की भूमिका में होंगे। बात करें इस सीक्वल की लीड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के आने वाले प्रोजेक्ट फिल्म तड़प की, तो सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी के डेब्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग हाल ही में पूरी हो गई है। इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस तारा सुतारिया काफी एक्साइटेड लग रही है। वो आए दिन फिल्म की अपडेट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती रहती है। इससे पहले फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के 2 दिलचस्प पोस्टर रिलीज किए थे। एक पोस्टर में अहान सिगरेट पीते हुए मोटर बाइक पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। एक और पोस्टर में तारा और अहान को गले लगते हुए देखा जा सकता है। दोनों को किसी स्टॉर्मी जगह पर खड़ा देखा जा सकता है। तड़प मिलन लूथरिया डायरेक्टोरियल फिल्म है, जिसमें अहान, तारा सुतारिया, सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा और सुमित गुलाटी नजर आएंगे। फिल्म को प्रोड्यूस साजिद नडियाडवाला द्वारा किया जा रहा है और को प्रोड्यूस फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा किया जा रहा है। इंडिया में इस साल की शुरुआत में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया था। हालांकि देश में महामारी की दूसरी लहर के सबसे बुरे दौर का सामना करने के बाद ही अप्रैल में इस वैक्सीनेशन ड्राइव को थोड़ा मोमेंटम मिला। इस ड्राइव में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, ताकि वो सभी सुरक्षित रूप से काम फिर से शुरू कर सके और बीच में कोई रुकावट ना आए। नदियाडवाला अपने ऑफिस स्टाफ के लिए भी काफी रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्होंने उनके परिवार के साथ वैक्सीनेशन लगवाने का जिम्मा उठाया। तो आपका क्या कहना है मेकर्स द्वारा ड्राइव चलाने के बारे में? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।